समाचार लेखन की प्रक्रिया और शैली। समाचार लेखन समाचार पत्रों में सबसे बुनियादी किस्म का लेखन है। सबसे बुनियादी किस्म का जो लेखन है वो है समाचार पत्र। समाचार पत्रों में काम करने के इच्छुक सभी लोगों को समाचार लेखन की प्रक्रिया से अवगत होना चाहिए। समाचार पत्रों में काम करने के अंतर्गत जो इच्छुक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उन सभी को इनकी प्रक्रिया से जानकारी होना आवश्यक होता है। समाचार लेखन के साथ अच्छी बात यह है कि इसकी गिनी चुनी शैलियाँ हैं और उनमें भी एक शैली उल्टा पिरामिड शैली सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलन में है। यानी कि सबसे सर्वाधिक प्रिय जो है वो शैली उल्टा पिरामिड है और सभी समाचार पत्रों में प्रायः उनका पालन होता है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे पुरानी पारंपरिक और स्वीकार शैली है। दुनिया भर के समाचार मीडिया, चाहे अखबार हो या रेडियो या टीवी, में समाचार लेखन की यही शैली लोकप्रिय है। ये सभी जो समाचार की लेखन शैली है ये काफ़ी लोकप्रिय है। इस शैली का इस्तेमाल 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया है, लेकिन इसका विकास अमेरिकी गृह युद्ध के समय हुआ। इस शैली के विकास और उसकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण थे, जिनमें प्रमुख है पाठकों की उत्सुकता यानी कि पढ़ने वालों की जागरूकता के अनुकूल होना, संपादन में सुविधा और उसका लचीलापन। उल्टा पिरामिड शैली किसी समाचार को लिखने की वह शैली है जिसमें किसी घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम और नए तथ्यों या सूचनाओं को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। यह शैली कथा या कहानी लेखन की उस प्रक्रिया के ठीक उल्टा है जिसमें कहानी कालानुक्रमण से आगे बढ़ती हुई क्लाइमैक्स यानी चरम तक पहुंचती है। कथा या कहानी लेखन को अगर सीधा पिरामिड मान लिया जाए तो समाचार लेखन में यह ढांचा उलट दिया जाता है। समाचार सीधे क्लाइमैक्स से शुरू होता है, इसके बाद घटते हुए महत्वक्रम में सूचनाएं दी जाती है। इस तरह से यह शुरू तो सबसे प्रमुख बिंदु से होता है, लेकिन उसका समापन कभी भी हो सकता है। यानी कि पिरामिड जो है उसका समापन हम कभी भी कर सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचार के ढांचे को मुख्यतः तीन हिस्सों में विभाजित किया जाता है, यानी कि इसे हम तीन टुकड़ों में बांट सकते हैं। मुखड़ा या इंट्रो, लीड, बॉडी और समापन। मुखड़ा या इंट्रो आमतौर पर समाचार की पहली तीन चार पंक्तियों या सबसे पहले पैराग्राफ को कहा जाता है। यानी कि पहले पैराग्राफ को क्या कहा जाता है? मुखड़ा या इंट्रो। इसके बाद भी की पंक्तियों में खबर के अन्य ब्यौरे बॉडी में आते हैं। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह इसके बॉडी में आता है और उसके बाद खबर कभी भी समाप्त हो जाती है। खबर को औपचारिक रूप में समाप्त करने की घोषणा नहीं करनी पड़ती है। कहने की जरूरत नहीं है कि उल्टा पिरामिड शैली में मुखड़ा या इंट्रो लेखन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वास्तव में वही समाचार होता है। मुखड़ा से ही पूरे समाचार के मिजाज और उसके प्रवाह की दिशा तय होती है। मुखड़ा लेखन के लिए न सिर्फ भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, बल्कि समाचार को पहचानने की भी गहरी समझ होनी चाहिए। अगर हम समाचार को का मुखड़ा को समझ पाएंगे तभी हमारे अंदर जो पढ़ने की उत्सुकता है वह विकसित होगी और हम सभी शब्दों को समझ पाएंगे। एक आदर्श मुखड़े में किसी समाचार की सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ जानी चाहिए और उसे किसी भी स्थिति में 35 से 50 शब्दों और 3-4 वाक्यों से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा, सरल और सहज होना चाहिए। जितना छोटा, सरल और सहज होगा उतना ही यह हमें सटीक लगेगा और उसे हम समझ भी पाएंगे।
आमतौर पर माना जाता है कि मुखड़े में 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। उसका जो सबसे पहला मुखड़ा होता है उसे में हमें 6 सवालों की जानकारी दी जाती है, जैसे क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, क्यों और कैसे हुआ है। इसे 6 ककारों क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों के रूप में भी माना जाता है। हालांकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर समाचारों में पहले 4 ककारों यानी क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों के आधार पर मुखड़ा लिखा जाता है, जबकि कैसे और क्यों के आधार पर समाचार की बॉडी तैयार की जाती है। क्या, कौन, कब और कहाँ का संबंध सूचनात्मक विवरण से है, जबकि कैसे और क्यों का संबंध व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक विवरण से होता है। उल्टा पिरामिड शैली में लिखे गए एक समाचार पत्र है और उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और समाचार पत्र का मुखड़ा या शैली इसी प्रकार है जो हमने अध्ययन किया है।